तुम्हें क्या लगता है वो लकी टोपा कौन होगा? अब वो तो ऊपर वाला ही जाने। मतलब तुम भी चाहती हो कि शादी हो? शादी? शादी के मामले में मैं कभी भी ना नहीं कह सकती। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। सभी लड़कियां भी तैयार हैं वे? हाँ। और सवाल अब भी वही है कि लकी टोपा आखिर कौन होगा बे? तो थोड़ी देर में निकलने वाली है शादी की लॉटरी। और जिसका नाम ये लॉटरी में निकलेगा उस खुश नसीब की शादी हम खुद कराएंगे। अरे मनोहर मामा, जब चमेली मामी खुद इतना संदेह में रहती हैं कि खलिया लड़की है कि लड़का जैसे तैसे, तो जरा सोचिए सोचिए आप उसे शादी के बाजार में खपाएंगे कैसे? ऐसी औलाद की शादी के टेंशन में उसके बाप का सर गंजा हो ही जाता है, ऐसा चाणक्या की मौसी के बेटे ने कहा था। अच्छा, वो भी गंजा था क्या? अब हमको क्या पता। छोड़ी उस बात को, हम क्या कह रहे हैं कि गंजे होने से बचने का तो अब एक ही उपाय है झट से, कि आज किसी भी तरह शादी की लॉटरी में खलिया का नाम निकल आए झट से, तो उसकी शादी हो सकती है फट से। पर धनी राम, असली सवाल तो ये है कि पर्ची में नाम निकलेगा किसका? पर्ची में जिस भाग्यशाली का नाम निकला है वो झूठ के जैसे पांव नहीं होते, वैसे ही नसीब की आंखें नहीं होती। हाँ, अरे किसी का भी नसीब चमक सकता है। तो आज जिसका नसीब चमका है वो वरुण। अरे मुखिया जी की, अरे मुखिया जी की, अरे मुखिया जी की, अरे मुखिया जी की, अरे मुखिया जी की। अरे रुको, अरे रुको भाई, काहे को पैर छू रहे हो? हमारी बात तो पूरी हो जाने दो। हम कह रहे थे कि जिसका नाम निकला है वो वरुण नहीं है। टोपा? अरे वो तो सोनू। तुम भी आ गए ऊपर। अरे पैर में छूने की जरूरत नहीं है, हमारी बात तो पूरी हो जाने दो। वो सोनू भी नहीं है। अरे वो तो मोनू। रुको, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। वो मोनू भी नहीं है। अयो दादा, बापू इतनी धूप में यो कौन सा सस्पेंस है, बता दीजिए ना राम। हाँ पापा, बता भी दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब सस्पेंस नहीं बढ़ाते। हम फिर से बता दें कि जिसका नाम इस पर्ची में निकलेगा उसका ब्याह हम खुद कराएंगे। ठीक है। हाँ।
अरे पर्ची किसी के भी नाम की निकले, आप तो बस सीधे मुखिया जी के पास पहुंच जाइए जम जमा के, और वहां जाके अड़ जाइए कि किसी भी हाल में शादी तो खलिया की ही होनी चाहिए चमचमा के। बात तो सही है बाबूजी। हाँ, हमने खाना बना दिया है। अच्छा, और दाल में तड़का भी मार दिया है। चलिए ना, खाना खा लीजिए। मम्मी जी नहीं दिख रही है कहीं? कुछ नहीं, इधर खड़ी है, दिखाई नहीं पड़ रही है। मम्मी जी अभी चलिए ना। धनी चाचा अब भी आइए ना, बहुत ही बढ़िया बनाए हो। मामा अब आप ही कुछ कीजिए ताकि जल्दी से हाथ पीले कराए ये लड़का, वरना कब तक बाड़ी बना के दाल में मारता रहेगा तड़का। चमेली आओ। सीधा आदमी कैसा, धनी राम जैसा। अब जिसका नाम निकला है ना पच्ची में, उसका नाम अगर हम तुम लोग को बता दिए ना तो बहुत झटका खाओगे तुम लोग। अरे बहुत कमाल का नाम है, लेकिन क्या है, अब तो नहीं छुपा सकते, बताना तो पड़ेगा ही है ना। तो उसका नाम है मिश्रा। मनोहर मामा, हमारे प्यारे मनोहर मामा। अरे वो दद्दा मामा जी। अरे लेकिन तुम मनोहर मामा का नाम काहे डाली, उनकी तो मामी है ना। डैडी सिंपल है ना, अब चमेली मामी तो हमको दिखाई देती है नहीं, इसलिए हमने सोचा कि कोई दिखाई देने वाली मामी अगर उनकी जिंदगी में आएगी तो उनकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। करेक्ट। अरे हमारी जिंदगी भी बेहतरीन हो जाएगी। मामी जो दिखाई नहीं देती उनके नाम पे पता नहीं क्या क्या बिल फाड़ते हैं, क्या क्या करवाते हैं। अच्छा क्या? अबे ये तो टोपा हो गया मैं। एक मिनट रुकिए मुखिया जी। हाँ, पर्ची में नाम किसी का भी लिखा हो पर शादी सिर्फ हमारे एक बेटे खलिया की होनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है तो हमारी शादी क्यों नहीं? क्योंकि हमारी चमेली कह रही है कि अगर उसके बेटे की शादी ना हुई तो वो कुएं में कूद के अपनी जान दे देगी। आयो दद्दा, मरी हुई जान कैसे देगी वो चमेली? जान दे दोगी ना तुम? नहीं, ऐसा ना हो कि जब जान देने का समय आवे तो तुम इधर उधर भागना शुरू कर दो। पक्का ना? क्या चमेली कह रही है कि हमें मुखिया जी की कसम, हम जान दे देंगे। आए हो दादा, हमरे जी ओजी की कसम काहे खा रही है, अपने जी ओजी की खाए। ठीक है, अगर बात इतनी गंभीर है मनोहर मामा तो फिर खलिया की शादी करवा देंगे। लेकिन आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि पर्ची में नाम किसका लिखा था? अरे मुखिया जी, पर्ची में नाम किसी का भी लिखा हो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शादी सिर्फ हमारे बेटे खलिया की होनी चाहिए। हाँ देखिए, किसी और का नाम लिखा होता तो हम आपको नहीं भी सुनाते, लेकिन जिसका नाम लिखा है वो सुनने लायक है। पता उसका नाम क्या है जिसका नाम यहाँ लिखा है? मिश्रा मनोहर। मनोहर मिश्रा यानी कि आप। हमारा हमको तो पता ही नहीं। मुखिया जी, अगर आप चाहें ना तो अपना फैसला बदल सकते हैं। हमको कोई एतराज नहीं है। आयो दद्दा पलटी। और चमेली मामी को एतराज होगा झट से। मुखिया जी अपना फैसला नहीं बदलेंगे फट से। धनीराम बिल्कुल सही कह रहा है, हम अब एक बार जो फैसला ले लिया उसको बदल नहीं सकते। अब अगर ब्याह होगा तो खलिया का होगा। पर लड़की हमको पसंद नहीं आई तो? अरे कैसे नहीं आएगी,
हम तुमको एक नहीं चार चार लड़कियां दिखाएंगे। तुम एक काम करो, कल हमारे घर आ जाना, ठीक है? अबे, अगर इसने हमारी स्वीटी को ही पसंद कर लिया तो बहुत बड़ा वाला टोपा हो जाएगा बे। भैया घबराइए मत, इसका टेस्ट ऐसा नहीं वैसा है। क्यों भाई मोनू? हाँ भाई सोनू। अबे हाँ बे, ये तो भूल ही गए थे। ठीक है तो फिर कल हम जरूर आएंगे आपके घर। अरे गांव वालों, खालिया को मुबारकबाद नहीं दोगे? अरे मारो ताली जोर से। वैसे तो चारों बहनें एक से बढ़कर एक, पर हमारी कजरारी आंखों में तो काजल ही होनी चाहिए। जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ना दिल वायर कहीं सिग्नल भी ना था, दिल घूम रहा जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैन टीवी में है बस तेरा रिफ्लेक्शन, कौन जान कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन, लग गए 440 वोल्ट छूने से दर। बाबूजी, मम्मी मम्मी का हमारे कारण हमारी शादी होते होते रुक गई है। लेटे लेटे यहाँ ख्याली पुलाव पका रहे हो, मम्मी हम तुम्हारी टांग तोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं आप, हमारी मम्मी जी की होती भी किसी और के साथ शादी करेंगे? राम राम राम। देखे, 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 मम्मी भी गुस्सा हो रही, मम्मी देखी। अरे नहीं 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 चमेली, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अरे रे 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 बेटा, तुम जल्दी से सो जाओ ना बेटा, सुबह हमको लड़की देखने जाना है, है? सो जा मेरा प्यारा बेटा, सो जा। अब तुम खाली खाली क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ इसको सोने दो ना, सो जा, आ जा चमेली, आ जा। चारों बहनें तो यहां हैं, पर जिसको हम देखने आए हैं वो तो दिख ही नहीं रही है। अरे लो लड़की आ गई। काजल ड्रेस पहनकर कितनी अच्छी लग रही है, बस जल्दी से अपना मुखड़ा दिखा दे। बैठो। आया था तो काजल, घूंघट तो उठाओ। ये लड़की है। क्यों, तुम्हें इसके लड़की होने पे कोई शक है क्या? नहीं नहीं, हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की है। यही लड़की है, हमारी तो शादी हो गई है। देखने वाली बात ये है कि हम जरा बाथरूम चले गए थे, इसलिए देर हो गई, इसलिए माफ कीजिएगा। ये लड़की के पिता हैं तिवारी जी। नमस्ते। नमस्कार। देखने वाली बात ये है, ये लड़का है? हाँ यही तो लड़का है, वो सफेद बाल वाले तो उसके पिताजी है ना। लड़का बहुत ही अच्छा है तिवारी जी। बेटा क्या काम करते हैं आप? घर के सारे काम कर लेते हैं हम, खाना पकाना,
बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, सब कुछ। और बेटा शौक क्या है तुम्हारे? रंगोली बनाना, किसी की शादी में डांस करना, या किसी के घर बच्चा पैदा हो तो सोहर गाना। और हाँ, आंख बंद करके कुर्ते में बटन भी डाल लेते हैं, एकदम टोपा। हाँ, सेल्फी वाला मुंह बनाना, कोई इनसे सीखे। मुखिया जी, आप इससे कहिए कि जिंदगी भर दूसरों की शादी में नाचे और किसी के घर बच्चा होने पे सोहर गाए। हमें चाहिए था दामाद, और आप हमें बहू दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं चाहिए हमें लड़की, ओहो लड़की टाइप लड़का। अरे अरे तिवारी जी, आप पूरी बात सुनिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो बेटी। अरे अरे तिवारी जी, आप ऐसे कहां? अरे चलो चलो, निकलो, आ जाओ। कहा मुखिया जी, आप ये मनोहर मामा और खलिया को यहाँ बेइज्जती कराने बुलाए थे सर से, और वो बेइज्जती करके चले भी गए फर्र से। बिल्कुल 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 सही धनीराम कह रहे हैं। वो आदमी हमारी बेइज्जती करके चला गया, और जिसे देख के हमारी चमेली रो रही है। आई थी क्या? हाँ, चलो चमेली, चल खलिया, चल। अरे सुनिए ना मामा। अच्छा, हम भी चलते हैं। मामा प्रणाम। कहाँ? प्रणाम। पापा, खलिया की सारी हरकतें तो लड़कियों जैसी हैं। अब आखिर क्यों कोई लड़की ऐसे लड़के से शादी करेगी? आप ही बताइए, आप अगर लड़की होते तो आप करते हैं? क्यों नहीं करते शादी डारी? खलिया इतना अच्छा खाना जो बना लेता है। अरे चुप करो तुम लोग, खलिया बहुत ही अच्छा लड़का है। अब हम कराएंगे उसकी शादी। काजल, तुम हमारे साथ चलो। जी बापू। हे संतोषी माँ, हम तो ये सोच के गए थे कि काजल से हमारी शादी होगी, पर वो आदमी तो हमारी बेइज्जती करके चला गया। माँ, क्या यही दिन देखने के लिए हमने 16 शुक्रवार के व्रत रखे थे? इतने दुखी मत हो, वरना तुम्हारी माँ चमेली रोने लगेगी। खलिया, लग गए 440 वोल्ट जूने से तेरे, लग गए 440 वोल्ट जूने से तेरे। आइए मुखिया जी। देखो खलिया, ये जो पीलिया के मरीज जैसे दिखने वाले गजानंद तिवारी जो तुमको बोले हैं ना, वो सरासर गलत बोले हैं। हम नहीं मानते, और तुमको बुरा लगा है हम जानते हैं, तो हम तुमसे माफी मांग रहे हैं उनकी तरफ से, और तुमसे वादा करते हैं कि एक बहुत ही अच्छे परिवार की लड़की से हम तुम्हारी शादी कराएंगे। पर हम अब शादी नहीं करना चाहते। हाँ। पर हम तो थारे को शादीशुदा देखना चाहवे से, और देखना थारी शादी होकर भी रहेगी, इसी में हम सबकी खुशी भी से खलिया। पर बेटा, जो आज हुआ उसे देख के हमको आसार थोड़े कम नजर आते हैं। शादी तो हम आपसे करना चाहते हैं काजल जी, लेकिन अपने प्यार की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने को ही प्यार कहा जाता है, इसलिए हम आपकी खुशी के लिए कहीं भी शादी करने को तैयार हैं। तो भी ठीक है काजल जी, जब तुम कहती हो ना तो हम राजी हैं। यह हुई ना बात, यह हुई ना बात। अब देखना, मैं थारे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। और ये लड़कियों की लाइन तुम लगाओगी कैसे? अरे मामा जी, आप वो सब मारे पे छोड़ दीजिए। अच्छा, आप बस देखते जाइए।